The wife of Senator J.D. Vance of Ohio, Trump's newly announced running mate and vice presidential contestant. He is the junior senator from Ohio. The daughter of Indian immigrants to the U.S. Donald Trump ne apna vice president chun liya hai, candidate chun liya hai. Inka naam hai J.D. Vance. Ye bahut badi development hai ki Kamala Harris ka bhi connection hai. उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है, सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मौजूद है इंडिया के अंदर। और कल उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नायब सदर का ऐलान कर दिया। अच्छा, अब जो है और वो है जेडी वेंस। वहां पर माइग्रेट क्या है, माना जाता है दोनों प्रोफेसर हैं और ये बहुत ही सनातनी स्टाइल में ये घर में पली थी। और उनके पेरेंट्स यानी इनको वो जो हैं वो हिंदू रिलीजन से हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे। बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली और फिर इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज, इट्स नॉट दैट सिस्टमैटिक, इट्स नॉट। इशू क्या है, इशू अब ये खड़ा हो रहा है कि ये जो कपल है यानी कपल से मुराद इन ये मियां बीवी नहीं बल्कि ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगले जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पूरा जिसे कहते हैं ना कि आप यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट आके, मैंने कहा ना कि वो पॉलिसी बिल्कुल अगर ये ट्रंप आते हैं तो उस सूरत में पूरा जो कैनवस है वो चेंज हो जाता है और वो यूक्रेन से हटता है, चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। हम मुझे को ये बताया कि हम ब्रिक्स में हैं कि नहीं है। मैं ये तो जो वाइस प्रेसिडेंट आ गया ये तो मतलब है, हम तो सोच रहे थे कोई और आएगा, ये तो बिल अजीब। जेडी वेंस तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक पार्टी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जेडी वेंस की घोषणा कर दी जिनका कनेक्शन भारत से है। वाइस प्रेसिडेंट का भारत के कनेक्शन देख पाकिस्तानी का रोना शुरू हो गया है। रिपब्लिक पार्टी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलकुरी भारतीय मूल की है। वह सैन फ्रांसिस्को की एक वरिष्ठ वकील है। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के पमारू गाँव के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इन्हीं सबको देख पाक मीडिया तिलमिला उठा और पाक मीडिया बोल रहा है कि भारतीय लॉबी पूरी दुनिया में फैली हुई है, हर बड़े प्लेटफॉर्म में भारतीय होते हैं, क्यों कोई पाकिस्तानी वहाँ नहीं होता, हम बस दूसरों देशों में जाते हैं और वहाँ दूसरों को धर्म बदलने के लिए कहते हैं और दूसरे कम्युनिटी को परेशान करते हैं, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ाने का है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमले के बाद बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को रिपब्लिक पार्टी के कन्वेंशन में पहुंचे। यहां उन्हें आधिकारिक रूप में रिपब्लिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया, लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियों की ओर से एक बड़ा इंडिया कनेक्शन उभर के सामने आया है जिसे देख पाक मीडिया तिलमिला उठा है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट पिक किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जो वाइफ है उनका इंडियन कनेक्शन है। सो बेसिकली जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, जेडी वेंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैमला हैरिस का भी कनेक्शन है, उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है, सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मौजूद है इंडिया के अंदर। इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज, इट्स नॉट दैट सिस्टमैटिक, इट्स नॉट दैट इन द सिस्टम इन द अमेरिकन, लेकिन इंडियन जो हैं वो अपनी स्पेस अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बना चुके हैं। ये जो चीज़ है कि जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनकी जो वाइफ हैं उनका जो इंडियन कनेक्शन की बात हो रही है, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो है वो कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना उनके पेरेंट्स इंडिया से आए, उनका ज़बरदस्त किस्म का एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद है। येल यूनिवर्सिटी से उषा ने जो है वो ग्रेजुएट किया बैचलर्स डिग्री हिस्ट्री के अंदर, और कैम्ब्रिज से भी पढ़ी फिलॉसफी में, लीगल कैरियर बड़ा ज़बरदस्त है और प्रोमिनेंट अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी वो क्लर्क रही हैं, ठीक है जी, बड़े प्रोमिनेंट, मसलन बड़े नाम जो हैं जिसमें जॉन रॉबर्ट्स हैं और कुछ और हैं, और जिसे कहेंगे कि
जो येल जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी है उसकी वो एमडी रही हैं, मैनेजिंग एडिटर रही हैं, फिर वो जो एडिटर रही हैं येल लॉ जर्नल की, बहुत बड़ी बात है। आपको अमेरिका के अंदर रिसर्च जर्नल जो हैं वो इस मुकाम पे ले हैं। आपको अंदाज़ा है कि साउथ एशिया के अंदर तो हम अक्सर देखते हैं कि पायदान जो बुरे हालात हमने जर्नल्स के किए हुए हैं, जर्नल मीन्स के ये जो रिसर्च जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल्स की बात नहीं की, जनरल्स ने भी खैर बुरे हालात किए हुए हैं। उषा है, शी वॉज रेज्ड इन सैन डियागो, कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल ब्रॉट अप होती है वहाँ पे, ऑल दैट। और बहरहाल इनकी जो जो उषा एंड जेडी वैंस की जो दोस्ती है वो लॉ स्कूल में हुई, 2014 में शादी हो गई। कहा जाता है कि एक हिंदू प्रीस्ट जो था उसने एक सेपरेट सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की थी। तीन बच्चे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो जो विद इन रिपब्लिकन्स है कि जो ट्रंप की जो वाइस प्रेसिडेंट के की हैं वैंस साहब जो हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ये उषा जो है इंडियन डिसेंट है, इसका मतलब ये है कि जो मिड वेस्ट के वोटर हैं वो उनको पिक करेंगी। इंडियन अमेरिकन जो हैं, क्योंकि पहले ये बात चल रहा था जी के रामास्वामी जो हैं उनको पिक किया जाएगा और इंडियन डिसेंट को देखा जाएगा। तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेडी वैंस को पिक किया है तो इसमें उनकी वाइफ जो है वो इंडियन डिसेंट है और जेडी वैंस जो है ही इज ए सुपर फार राइट का शख्स है। सो वो दोनों चीजें जो है ट्रंप जो है वो पिक कर गया। उषा ने कुछ जाके दिल्ली में बैठ नहीं जाना, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कोई जाके नरेंद्र मोदी से जफिया नहीं डाल लेने के पाएं तुसी मेरे सहरे हो थे इंडिया दे विच मेरे सहरे ने या मैं जनाब इतों दा बड़ा मेरी गलबात है थे, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल सॉफ्ट पावर। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन खवातीन, इंडियन यंग गर्ल्स, इंडियन यंग बॉयज, उनकी सॉफ्ट पावर है। द पॉइंट इज के उषा का अगर आप कैरियर देखें, उसका प्रोफेशनल कैरियर देखें, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरियर है उनका। ठीक है जी, येल में पढ़ना पढ़ाना, उनके जर्नल्स को रन करना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करना, मतलब दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट उषा। तो दैट्स व्हाई जेडी वैंस ने भी एवं ही शादी नहीं की, उसने भी जारी बात है कि ही रियलाइज के द लेडी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इंडियंस हैं वो, आपको पता है अक्सर तारड़ साहब भी जिक्र करते हैं कि भाई अगर इंडियंस नहीं होंगे तो अमेरिका का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त तो ट्रंप का बाइडन का जो स्पीच राइटर है वो भी इंडियन है, फलां भी इंडियन है, फलां भी ऐसे है। सो ये चीजें हमारे सामने आ रही है कि विद एवरी पासिंग डे जो इंडियंस हैं वो एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पे अमेरिका में सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तानियों का क्या होता है, सबने पहले तो इसको मुसलमान करें, अच्छा मुसलमान नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, मुसलमान होगा तो फिर वो जारी बात है, अगर वो बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसकी अपनी कम्युनिटी के अंदर वो रेलिवेंस खत्म हो जाती है। वो कहते हैं यार ये तो अब मुसलमान हो गया है, क्यों अब उसको दूसरे दूसरा नहीं देख रहे हो। हमारे लोग पीछे रह गए हैं कि हमने जो लोग अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में हैं वो उनके कल्चर को वैल्यू नहीं देते, वो यूरोप अमेरिका बरतानिया के अंदर पैरेलल कल्चर ड्रॉ करना चाहते हैं।